पंजाब का सियासी संकट फिलहाल टलता नजर नहीं आ रहा। सियासी खींचतान और मान मनोवल के बाद अब नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अरविंदर सिंह आमने सामने हैं। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी से मीटिंग के बावजूद नवजोत सिंह सिद्धू मुख्यमंत्री कैप्टन अरविंदर सिंह की सार्वजनिक तौर पर खिंचाई करने से पीछे नहीं हट रहे, तो कैप्टन ने भी सिद्धू को करंट का झटका दे दिया है। दरअसल पंजाब में बिजली संकट को लेकर अब त्राही त्राही मची, तो सिद्धू ने भी इसे लेकर एक बार फिर अपनी सरकार को घेरते हुए एक के बाद एक नॉट ट्वीट कर दिए। लेकिन फिर ये बात सामने आई कि बिजली संकट पर सवाल खड़े करने वाले नवजोत सिंह सिद्धू ने खुद अपने ही घर का बिल वक्त पर नहीं भरा। नवजोत सिंह सिद्धू ने पिछले करीब 9 महीने से अपने घर का बिल नहीं भरा था। उन पर 8.5 लाख रुपए से ज्यादा बकाया था। सवालों के घेरे में खुद घिरे तो सिद्धू ने शनिवार को बिल भर दिया, लेकिन सूबे ने तब तक एक नई सियासत को जन्म दे दिया। दिलचस्प ये भी है कि ये वही नवजोत सिंह सिद्धू हैं जिन्हें 2019 के संसदीय चुनाव के बाद कैप्टन अरविंदर सिंह ने बिजली महकमा दिया था, लेकिन उन्होंने लेने से इनकार करते हुए कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। हालांकि पार्टी नेता सिद्धू के खिलाफ खुलकर बोल नहीं रहे, लेकिन उनका कहना है कि अब सरकार को सलाह देने का क्या लाभ। जब सिद्धू के पास बिजली महकमे में सुधार का मौका था तो उन्होंने ये चुनौती स्वीकार नहीं की। अब सिद्धू ने बिजली संकट का रास्ता निकालते हुए एक ट्वीट किया है। उन्होंने पंजाब सरकार को सुझाव दिया है। सिद्धू ने कहा कि आइए हम कांग्रेस हाईकमान द्वारा लोगों के हित में तैयार 18 पॉइंट वाले एजेंडे से शुरू करें और पंजाब विधानसभा में नए विधान के माध्यम से बिना किसी निश्चित शुल्क के नेशनल पावर एक्सचेंज के अनुसार दरें तय करें और बिजली खरीद में समझौते से छुटकारा पाए। इसके बाद सिद्धू ने एक और ट्वीट करते हुए कहा कि पंजाब सरकार पहले से ही 9000 करोड़ की सब्सिडी देती है, लेकिन हम घरेलू और इंडस्ट्रियल उपभोक्ताओं को 10 से 12 प्रति यूनिट सरचार्ज के बजाय 3 से 5 रुपए प्रति यूनिट की दर से बिजली देनी चाहिए। साथ ही 24 घंटे की सप्लाई, कोई पावर कट नहीं और 300 यूनिट तक फ्री बिजली दी जानी चाहिए। ये निश्चित रूप से प्राप्त करने योग्य है। बहरहाल पंजाब में बिजली संकट गहराता जा रहा है, लिहाजा ऐसे में कांग्रेस अपने ही घर में घिरती जा रही है। सिद्धू के रुख ने भी कैप्टन की मुश्किलें खड़ी कर दी है। इसी बीच चर्चा है कि कैप्टन एक बार फिर दिल्ली दरबार में हाजिर होंगे। ऐसे में देखना होगा कि क्या फॉर्मूला निकल कर आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।